हेलो दोस्तों, आपने बनाया यूट्यूब चैनल, मगर आपको ये पता है आप अगर उसकी सही नमूने से सेटिंग नहीं करेंगे, एसईओ नहीं करेंगे, तो आपका चैनल कभी भी रैंक पर नहीं आएगा, आपका चैनल ज्यादा आगे नहीं जाएगा और इस वजह से आपके व्यूज कम आएंगे और आपका चैनल बैठ जाएगा। तो आज मैं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उसके मुताबिक मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो चैनल बनाया उसकी सही सेटिंग एसईओ कैसे करें, क्योंकि एसईओ करना बहुत ही जरूरी होता है आपके चैनल के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां आपको बताता हूँ कि आप अपने चैनल की सेटिंग कैसे करें, उसकी एसईओ कैसे करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चैनल की एसईओ करने के लिए आपको अपना यूट्यूब अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल में आ जाएंगे तो यहां होगा सेटिंग। ये सेटिंग को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले आएगा डिफॉल्ट यूनिट। तो डिफॉल्ट यूनिट में आपको अपनी करेंसी चूज करनी है कि आपकी करेंसी कौन सी दिखाए। मैं ज्यादातर डिफॉल्ट जो होता है वो होता है डॉलर में, तो आप चाहे तो डॉलर में ही रहने दें, यूएसए डॉलर में रहने दें, या अपने कंट्री के मुताबिक करेंसी सेट कर लें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आता है चैनल। अब चैनल में आपको कंट्री अपनी, जो आप जहां रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने पाकिस्तान की हुई है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड। अब कीवर्ड बड़ी चीज होती है और जबरदस्त चीज होती है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कीवर्ड क्या होती है। अब कीवर्ड आपको कहां से मिलेंगे, और वो कीवर्ड जो सर्च में भी ज्यादा हो, वो सर्च रैंक में भी अच्छे चल रहे हो। अगर वो अच्छे चल रहे होंगे रैंक में तो आपकी जो चैनल है वो जल्दी ग्रोथ कर लेगा। अगर आपने ऐसे कीवर्ड डाल दिए जो ना ही तो कभी सर्च में है और ना ही तो कभी उनको कोई इतना ज्यादा सर्च करता है, तो वो आपके लिए मसला पैदा कर सकते हैं। तब कीवर्ड कहां से मिलेंगे और कैसे पता चले कि वो सर्च में है या नहीं है, उसके लिए आपको एक साइट खोलनी पड़ेगी, ads.google.com। उसमें जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे, तो आपको करना यह है कि ये जो टूल एंड सेटिंग है इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहां आ जाता है कीवर्ड प्लानर, इसको हमने जैसे क्लिक किया, यहां आपको ये इसके बाद डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड्स इसको क्लिक करना है। अब आपको यहां एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपका चैनल किस हवाले से है उसके मुताबिक आपको कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे। जैसा कि मेरा चैनल कंप्यूटर के मुताबिक है, आईटी के मुताबिक है, तो मैं पहले कंप्यूटर सर्च करता हूं, तो यहां मैं देखता हूं कि ये कंप्यूटर का जो कीवर्ड है ये 10,000 से लेके 100K तक, 10K से 100K तक सर्च हुआ है, मतलब इसकी सर्चिंग अच्छी है। उसके बाद दूसरा कीवर्ड आ जाता है, ये आइडिया बता रहा है पीसी, इसकी भी सर्चिंग अच्छी है और कंपटीशन लो है। उसके बाद ये तीसरा है
गेमिंग पीसी, उसके बाद ये इसकी सर्चिंग थोड़ी कम है, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद डेस्कटॉप वगैरह इसकी सर्चिंग। अब आपको ऐसा करना है कि जो ज्यादा वाले सर्च हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके पिक कर देने हैं। क्योंकि ज्यादा जो सर्चिंग में होंगे तो आपका चैनल भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, क्योंकि वो सर्चिंग में ऑलरेडी होंगे और आपका चैनल सर्चिंग में आ जाएगा जल्दी। जितने भी मुझे कीवर्ड अच्छे लगे वो मैं यहाँ से अपने हिसाब से मैं सेलेक्ट किए, वहां से यहाँ से है कॉपी, तो मैंने कॉपी कर लिए। अब अपने चैनल में मैं ये पेस्ट करूंगा। तो यहाँ एक मसला होगा, अगर आप डायरेक्ट कॉपी करेंगे तो इस तरह ये सारे आ जाएंगे और ये गलत तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा और सारे कीवर्ड यहाँ पेस्ट करने पड़ेंगे। ये सारे आ गए। अब यहाँ जो हर कीवर्ड के आगे कॉमा का निशान लगाना पड़ेगा, यहाँ सारों के ऊपर कॉमा का निशान लगाया, उसके बाद ये सारे यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। ये सारे कीवर्ड यहाँ पेस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ सिर्फ 95 हुए, यहाँ 500 आप कर सकते हैं, तो इसी वाले से आप दूसरे भी कीवर्ड अपने चैनल के मुताबिक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यह करता हूँ टीच, अब टीच के मुताबिक मैंने ये कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ भी मुझे टेक्नोलॉजी, टीच न्यूज, टेक्नोलॉजी न्यूज मुख्तलिफ कीवर्ड मिल गए। या मैं कॉपी कर लूंगा जो मुझे सर्चिंग में अच्छे लगे। आप भी सर्चिंग में जो अच्छे हैं वो कॉपी कर लेना। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किए और उसी तरह मैंने नोटपैड में पेस्ट किया और हर कीवर्ड के आगे कॉमा का निशान लगा दिया, कॉमा लगा दी। तो यहाँ मैंने कॉमा लगाई और यहाँ से कॉपी किए और अपने चैनल में जाके पेस्ट कर लिए। तो आप जितने भी यहाँ 500 तक रेंज है आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट अपलोड डिफॉल्ट, अब ये आप डिफॉल्ट क्या होता है कि आप जो भी वीडियो अपलोड करें उसमें कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइटल का हिस्सा या डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर मैं अपने चैनल का यहाँ नाम यहाँ पहले लिख लेता हूँ। अब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पहले ये नाम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद यहाँ मैं कीवर्ड में भी जो चीज लिखूंगा वो वहां पहले से लिखी होगी। उसके बाद विजिबिलिटी, जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो पब्लिक हो जाए या प्राइवेट हो जाए या अनलिस्टेड हो जाए, तो ज्यादातर अनलिस्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आ जाता है टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं, टैग्स की मदद से आपकी वीडियो जो है वो सर्च की जाती है, रैंक हो जाती है और लोगों को पता चलता है, लोगों के पास आपकी वीडियो टैग्स की मदद से पहुंचती है। अब दूसरी बात, टैग्स कहां से लें, इसके लिए आपके पास अच्छी एक वेबसाइट है, और भी वेबसाइट है लेकिन आप मैं ज्यादातर यूज करता हूँ रिपीट टेक्स्ट। यहाँ मैं अपने टैग में सर्च करूंगा। अब यहाँ जो टैग आपको मिलेंगे ये आपके टैग आ गए कंप्यूटर के मुताबिक, आपकी जो टॉपिक हो उसके हवाले से आपको टैग मिल जाएंगे। यहाँ कॉपी करें उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दें टैग, ये आपके टैग आ गए। आपकी जो वीडियो है उसके मुताबिक डिफॉल्ट टैग जो टैग आएंगे
वो ये आ गए। उसके बाद परमिशन आ जाता है, परमिशन में कोई कुछ नहीं करना, कम्युनिटी में आ जाता है, कम्युनिटी में आपको कुछ नहीं करना, एग्रीमेंट में है ही कुछ नहीं। उसके बाद ये सारी चीजें जो आपने की, उसका डिफॉल्ट अपलोड में आ जाए, एडवांस में आ जाए, और यहाँ कैटेगरी आपकी एजुकेशन है, आपने वीडियो में लैंग्वेज कौन सी यूज की है, आपने बात कौन सी लैंग्वेज में की है, मिसाल के तौर आपने उर्दू में बात की है तो यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने डिस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज की है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश यूज की है तो मैं यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड रजिस्टर कर देता हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं करना और आपने सेव कर लेना है। इस तरह आपका चैनल सेट हो जाएगा और आपकी चैनल की जो SEO है वो हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सीखा कि अपने चैनल की सेटिंग करें कैसे करें, आपका चैनल जो है उसकी SEO कैसे करें, आप टैग कैसे उसमें डालें और उसका डिस्क्रिप्शन कैसे डालें और डिफॉल्ट टैग कैसे डालें। तो ये सारी चीजें आपके चैनल को काफी ग्रोथ करने में मदद करती है। आप अगर अच्छी तरह अपने चैनल की SEO करेंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मजीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।